द थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच इज़ वर्ब अ वर्ब इज़ एनी वर्ड दैट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और बींग इम्पॉर्टेंट ना सिर्फ एक्शन को बल्कि बींग को भी स्टेट को किसी के किसी चीज़ के होने को एक्सप्रेस करता है उर्दू में जो वर्ब होता है इसको फेल कहते हैं और फेल का होता है किसी चीज़ का करना होना ये सहना ये सहना वाली चीज़ भी याद रखिएगा देर आर सर्टन वर्ब्स जो कि यूज़ किए जाते हैं फॉर द फीलिंग्स फॉर फॉर एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स तो एक्शन को बेसिकली ये एक्शन वर्ड्स होते हैं एंड बींग वर्ड्स भी इनको कहा जा सकता है इसके अलावा इसमें ऑगजिलरी वर्ब्स भी होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब्स जिनको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं Verbs have multiple tenses that express when the action took place. Recognize action verbs at words as verbs. A verb is any verb that is a word that is used to express an action, like run, cleaned, driven, etc. Or being, for example, is, was, been etc. Jinko. Uh, B words hain ya B forms of verb <clears> hain. <throat> वर्ब्स ऑफ मल्टीपल टेंसिस दैट एक्सप्रेस वन द एक्शन टूक प्लेस ऑगजिलरी वर्ब्स ऑल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब्स वर्ड्स दैट आर यूज टू चेंज द टेंस ऑफ द मेन वर्ब विल डिड वुड एटसेट्रा दीज आर स्टिल कंसिडर्ड वर्ब्स ऑगजिलरी वर्ब्स हैं मेन वर्ब्स हैं और उसके अलावा बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स कौन सी होती हैं इज आर एम वॉज वीन etc.